गोटेगांव तहसील के जोतेश्वर में देश की अनूठी शादी हुई। यहां पर किसी पंडित या पुरोहित ने नहीं बल्कि गूगल से मंत्र पढ़कर महिला एसआई ने वर वधु को सात फेरे दिलाए। लॉकडाउन में पुलिस के नए रूप ने सेवा की नई मिसाल पेश की है। जानकारी के अनुसार श्रीनगर गांव के लक्ष्मण का नरसिंहपुर निवासी ऋतु से विवाह तय हुआ था। दोनों पक्षों के 8 सदस्य मंदिर भी पहुंचे, लेकिन विवाह कराने के लिए कोई पंडित नहीं मिला। इसलिए जोतेश्वर चौकी प्रभारी एसआई अंजलि अग्निहोत्री को जब पता चला तो वो मंदिर पहुंची, या उन्होंने समस्या जानकर खुद ही मंत्रोच्चारण करने का फैसला किया। उन्हें जितने मंत्र पता थे उतने पढ़े, शेष के लिए मोबाइल पर गूगल की मदद से मंत्र पढ़कर विवाह संपन्न कराया। नरसिंहपुर से मनीष शाह की रिपोर्ट। हाँ, ये क्या है कि हम लोग अभी चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो पूरे टाइम फील्ड पे ही रहते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है जिम्मेदारी हमारी। तो शादी की चूंकि परमिशन थी और हम लोग को देखना था कि जो शादी करा रहे हैं या जिनकी शादी कर रहे हैं वो लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। तो मैं भ्रमण पे थी तो मैं यहाँ पहुँची शंकर पार्वती मंदिर। तो यहाँ पे दो जोड़े थे, मतलब एक जोड़ा था वर और वधु पक्ष के, कुल मिला के 8 लोग थे, लड़के और लड़की को मिला के 10 लोग थे। उनकी परमिशन चेक की तो उनको शादी के लिए परमिशन थी। चूँकि उन्होंने मुझे बोला कि मैडम पंडित की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप ही शादी करा दीजिए, आप भी पंडित हैं तो आप करा देंगी तो चलेगा। तो उन्होंने आग्रह किया, तो चूँकि देशभक्ति जनसेवा हमारा काम ही है तो हम लोग ऊपर से भी हम लोग को वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश है कि हम जितना इस समय जितना मदद कर सकें सबकी, वो हमें मदद ही करना है, सहयोग ही करना है। तो फिर हमने जितना मंत्र हमें आते थे उसके अकॉर्डिंग हमने मंत्र पढ़े, और जो नहीं आता था तो गूगल पे विवाह पद्धति सर्च करके उससे मंत्रों का उच्चारण करके उनकी शादी कराई। चूँकि हवन वेदी नहीं थी तो दीपक जलाया और जो भगवान को ही फूल चढ़े हुए थे जो उस मंदिर में सुबह शाम पंडित जी पूजा करने आते, तो वो पूजा करके गए थे शायद वहाँ पे, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करके उन्हीं फूलों का, उन फूलों से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और उसी के अकॉर्डिंग शादी कराई हमने।